तो गाइस वुमेन्स आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो चुका है और हमें उन 5 शहरों के नाम कंफर्म हो चुके हैं जो कि हमें पहले सीजन में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों बात करें उन 5 शहरों की तो वहां पर हमें अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और हमारी बेंगलुरु की टीम दिखाई दे रही है। दोस्तों ये काफी बड़ी और अच्छी खबर है हम सभी आरसीबीएंस के लिए, क्योंकि हम सभी चाहते थे कि आरसीबी की फ्रेंचाइजी वुमेन्स आईपीएल में भी अपनी टीम खरीदे। दोस्तों बीसीसीआई ने इस लीग का नाम वुमेन्स आईपीएल नहीं बल्कि वुमेन्स प्रीमियर लीग रखा है। हालांकि बार बार जुबान पे वुमेन्स आईपीएल आ रहा है तो वहां पर दोस्तों मुझे माफ करना। दोस्तों आरसीबी की टीम वुमेन्स आईपीएल के लिए काफी तक इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि हम सभी को पता है कि वुमेन्स आईपीएल के लिए आरसीबी ने लास्ट में अपना नाम दिया था। ऐसे में काफी बड़ा डाउट था क्या आरसीबी की टीम वुमेन्स आईपीएल में टीम खरीद पाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों ये डाउट सब क्लियर हो चुके हैं, हमारी आरसीबी की टीम ने वुमेन्स आईपीएल में भी अपनी टीम खरीद ली है और हम सभी की मनोकामना, हम सभी की इच्छा को पूरा किया है। दोस्तों आरसीबी के फ्रेंचाइजी ने 901 करोड़ रुपए देकर टीम को अपना बनाया है जो कि काफी अच्छी और बड़ी बात है हम सभी के लिए। सो गाइस अब बात करते हैं कि हमें ऑक्शन कब देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन हमें मिड फरवरी में देखने के लिए मिल सकता है जो कि 15, 20 या फिर 25 फरवरी के बीच कभी भी हो सकता है। दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग हमें मार्च में देखने के लिए मिलेगा, ऐसे में बीसीसीआई ऑक्शन को जल्द ही कराना चाहेगी ताकि उन सभी टीमों को उनके प्लेयर्स का नाम पता रहे, वो प्लेयर्स प्रैक्टिस कैंप में ज्वाइन हो सके। इसलिए दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन हमें मिड फरवरी में देखने के लिए मिल सकता है। इस पर आप लोगों का क्या राय है दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आप काफी हद तक अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है वुमेन्स प्रीमियर लीग को लेकर। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो गाइस अब बात करते हैं आरसीबी की टीम आखिर अपना कप्तान किन्हें नियुक्त कर सकती है, किन खिलाड़ियों के पीछे जा सकती है। तो वहां पर आरसीबी की टीम हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना को डेफिनेटली टारगेट करने वाली है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी भारत के काफी दिग्गज खिलाड़ी हैं, महिला टीम के काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। इसलिए दोस्तों आरसीबी की टीम इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकती है। आप लोग किस खिलाड़ी को आरसीबी की टीम की कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।